हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मंडे और दोपहर हो चुका है, देख पा रहे हो। सूरज मामा यहाँ पर आ चुका है और मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, देख पा रहे हो। बाल बाल खुला है अभी, धूप नहा दो के क्या होता है ना, ठंड लग जाती है, धूप सेकना पड़ता है, तो इसलिए रेगुलर सर्दी के टाइम रेगुलर ऐसा ही होता है। मैं थोड़ी देर आके यहाँ बैठ जाती हूँ, धूप सेकती हूँ और बाल भी सूख जाता है ना, ड्रायर एक्स्ट्रा करके नहीं लगाना पड़ता है, ये फ़ायदा भी होता है। तो जो काल का जो काम काज था, मतलब सुबह का जो रेगुलर काम काज है, सब कुछ कंप्लीट कर लिया। करने के बाद ही मैं मतलब फ्रेश होती हूँ। थोड़ी देर तो मैं यहाँ पे बैठ के धूप सेकूँगी, फिर आज जो आसपास जो प्लांट है मेरा, तो सूखे पत्ता हो चुका है, इसको हटाना है, ये भी करूँगी। देखिए, कैंची और रस्सी में लेकर बैठी हूँ, डोरी आने के टाइम भाड़ में हिल जाते हैं, तो इसलिए रस्सी में लेकर आई हूँ, बैठूँगी। और यहाँ पर ना एक पत्ते हिल रहा है, कारण देखिए ये, तो ये पेड़ के सामने ही मैं मतलब रखी हूँ ना स्टैंड, इसलिए वो हवा में हिल रहा था। बहुत देर से मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तो अभी बाल सूख चुका है। चलिए अब जो नेक्स्ट काम है वो करते हैं। चलिए, ये पॉट मैं जब से लेकर आई हूँ ना, तब से इस मतलब इससे ही मैंने रख दिया, रिपोर्टिंग नहीं किया। इसके साथ ये पॉट ही मिला था, तो ये गमला मैं सोच के रखी हूँ जिसमें डालना है, मुझे रखना है, वो एक्चुअली मैंने ख़रीदा नहीं और उसी टाइप का मुझे नहीं मिला, इसीलिए इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और इसमें देखो एक बेबी प्लांट भी आया था, और इसको मैं मिट्टी में, देखो इसका जो जार था मैंने मिट्टी में डाल दिया था, तो ये अभी लग चुका है अलग से, इसीलिए मैं हटा रही हूँ। प्लांट पर था तो मैं इसको काट के अलग कर दिया, देखो ये अभी अकेले ग्रो हो सकता है आराम से। कुछ दिन पहले इसमें फ्लावर खिला था, और फ्लावर खिल के ये भी देखो छोटा छोटा बेबी प्लांट इसमें भी लगे हैं। बाद में इसको भी मैं मिट्टी में लगा दूंगी, वो भी हो जाएगा अलग से एक प्लांट। और ये देखो, ये कलरफुल प्लांट पर फ्लावर आते हैं, फ्लावर भी खूबसूरत कलरिंग फ्लावर, ब्लू कलर का, और ये ना बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। और इसमें भी फिर से डोरी बन रहा है, ये सर्दी के टाइम थोड़ा कम होता है। और देखो, इसको बोलते हैं चौंदो मल्लिका बंगाली में, और हिंदी में मैं फ़िलहाल भूल गई हूँ इसका नाम। और इसमें भी सफ़ेद कलर का फ्लावर आएगा, कलरिंग वैरायटी तो बहुत सारा होता है, पर इसमें आएगा सफ़ेद। और डोरी जस्ट बन रहा है, इसीलिए ये ही हिल चुका था, इसको मैं रस्सी से बांध रही हूँ ना हिले, और कुछ दिन बाद ही ना इसमें डोरी भी मतलब खिल जाएगा, इसीलिए कुछ ख़राब ना हो पहले से ही मैं ऐसे बांध के रख रही हूँ दो प्लांट को ही। इसके बाद देखो, इसमें ना जितना भी पत्ते हटा दो मतलब रोज़ ही सूख जाते हैं, ये मैं हटा रही हूँ। और उसके बाद मुझे लग गई है भूख, दोपहर का लंच मैं कर रही हूँ। कल सूप तो बनाई थी ना, वो सूप तो रह गया था, और उसके साथ एक सब्जी भी था, वो ले लिया मैंने, दो लेके मैं खाने बैठ गई हूँ। हेलो गाइस, खाना खा रही थी मैंने दोपहर पे, उसके बाद कुछ सूट नहीं किया बिकॉज उसके बाद मैं बोल सकते सो गई थी, रेस्ट कर रही थी, करते करते पता नहीं टाइम कैसे चल गया। उसके बाद तो निकली थी मैंने बाहर थोड़ी देर के लिए, पर फ़ोन में चार्ज नहीं था, इसी वजह से कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाई। देख पा रहे हो पीछे दिया जल रहा है, तो जस्ट अभी अभी किया मैंने दियाबाती। किचन में तो जाऊंगी अभी, सिर्फ आज सब्जी नहीं बनेगा, रोटी बनेगा। रोटी के लिए आटा लगा के रखूंगी, संदीपन जब आएगा उसके बाद ही बनाऊंगी मैं सब्जी का। स्वीट पम्पकिन का सब्जी बचा हुआ है, वही बनाऊंगी, बनाना नहीं मतलब गरम करना है। मैंने अभी रोटी बनाने आ गई हूँ, संदीपन भी आ गया और टीवी देखने बैठ गया वो। और मैं आज देखो ये कोटी पहन लिया, ये संदीपन का एक मस्टर्ड ऑयल एलेक्सा एलेक्सा बोलिया
तो मैंने ये देखो ये पहन लिया आज, थोड़ा ठंडी तो है ही तो इसीलिए, और ये बनाई थी पहली बार मैं पहन रही बोल सकते हो। और अभी बहुत काम तो बाकी है बट और नहीं करूँगी मैं, ऐसे ही एक दो दिन मैं पहन लूँगी, तो शायद ठीक ठाक ही लग रहा है ना, और घर में पहनने के हिसाब से पहन सकती हूँ। तो चलिए मैं फटाफट रोटी बना देती हूँ। कॉलीफ्लावर का सब्ज़ी मैं कल सुबह बनाऊंगी, उसके लिए कल सुबह मतलब दिक्कत ना हो इसलिए मैं प्रिपेयर करके रख रही हूँ। तो मतलब सुबह जितना हो सकता है मैं काम करके रात के टाइम ही काम करके रखती हूँ, क्योंकि सुबह संध्यवन का जल्दी होता है निकल जाना और मैं भी थोड़ा लेट ही उठती हूँ इसीलिए। संध्यवन देखो ऑलरेडी चला गया सोने, मतलब ये देखो संदीपन सो गया वो, और मेरा भी काम खत्म, मैं भी चली आई हूँ, वो फोन देख रहा है अभी। तो गाइज आज का ये वीडियो मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। सब हैप्पी रहना, खुश रहना और हमेशा स्माइल करते रहना। ओके बाय।